हमारी धरती पर सभी देशों की अपनी विशिष्टताएं, अपनी परंपराएं और संस्कृति है, जिनमें से कुछ पूरी तरह से अलग हैं। दोस्तों, हम 21वीं सदी में रहते हैं, जहां हमारे चारों ओर टेक्नोलॉजी से लैस एक दुनिया है। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे लोग समूह भी हैं जिनका रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है। इन्हीं लोगों में आती है कई सारी जनजातियां, जिनकी जीवन शैली आपको हैरत में जरूर डाल देगी। आइए आज आपको दिखाते हैं ये लोग रहते कैसे हैं। सामा बजाओ। सामा, जिसे समाल या बजाऊ भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े और सबसे विविध समुदाय समूहों में से एक हैं। बता दें कि यहाँ लोग पानी पर रहते हैं, जिनका समुद्र से गहरा नाता है, मानो जैसे वो लोग समुद्र में रहने के लिए ही बने हों। लंबे लंबे हाउस बोट उनके घर हैं और मछली पकड़ना उनका सबसे मुख्य काम है। समुदाय के कई लोग 230 फीट से अधिक गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है, और सबसे मजे की बात तो ये है कि वह आमतौर पर दिन के 5 घंटे पानी के अंदर बिताते हैं। कोरोवाई पीपल। ये हैं दुनिया के अंतिम नरभक्षक जनजातियों में से एक, कोरोवाई ट्राइब, जो पापुआ के घने और दुर्गम जंगलों में रहते हैं। पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर ये लोग जमीन के ऊपर पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं, जहां हर घर में 10 से 20 लोगों के छोटे छोटे समूह हुआ करते हैं। लोगों के आने जाने के बावजूद भी इस जनजाति के लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये जनजाति जीविका के लिए शिकार करती है और इनका निशाना भी बेहतरीन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति के लोग अंधविश्वास को बहुत मानते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये इंसानों को भी खा जाते हैं। असारो ट्राइब। असारो, जिसे असारो मडमैन के नाम से जाना जाता है, ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी भाग में रहने वाली एक जनजाति है। इस जनजाति की कुल आबादी 20,000 से 30,000 तक है, और ये लोग जीवन की सभी आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। ये लोग लकड़ी से बने घरों में रहते हैं, जिसकी छत घास की बनी होती है। असारो ट्राइब कीचड़, मिट्टी और कंकड़ से बना एक अजीब सा मस्क पहनते हैं और पूरे शरीर को कीचड़ से ढक लेते हैं। हालांकि ये लोग देखने में तो डरावने दिखते हैं, पर बाहर से आए लोगों के साथ ये काफी फ्रेंडली होते हैं। निनेट पीपल। सर्बियन आर्कटिक के रहने वाले समूह का रहन सहन काफी एक्सट्रीम है, जिसे सर्दियों में -50 डिग्री तक के तापमान का सामना करना पड़ता है। वो हर साल टंड्रा में 1,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करते हैं। ये लोग काफी अच्छे शिकारी होते हैं और ज्यादातर कच्चा मांस खाते हैं। हिरन इनके जीवन और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, और इनके लिए हिरन भोजन, आश्रय, कपड़े और परिवहन का साधन है। हिरन का इस्तेमाल वे कपड़े, जूते और सर्दियों में तंबू बनाने के लिए करते हैं। डोगन पीपल। पश्चिम अफ्रीका के माली में रहने वाले ड्रैगन उन अफ्रीकी जनजातियों में से हैं, जो वर्षों से अपनी संस्कृति को बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। बता दें कि ये लोग चट्टानों से बने घरों में रहते हैं। डोगन को उनकी धार्मिक परंपराएं, उनके मास्क डांसेस, लकड़ी की मूर्तिकला और उनकी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। माना जाता है कि दुनिया में अभी 4 से 8 लाख डोगन पीपल बचे हैं। दोस्तों, आपको इनमें से किस जनजाति की जीवन शैली सबसे अजीब लगी, मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।